प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना महामारी के चलते देश में 3 महीने से लॉकडाउन है और अब अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2 की भी शुरुआत हो गई है, परंतु संक्रमण अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि हर दिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच NSUI हरियाणा के प्रयासों से जहां प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सभी छात्रों को बिना परीक्षाओं के प्रमोट करने के आदेश जारी हो चुके हैं, वहीं अब मेडिकल संकाय के छात्रों की परीक्षाओं को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर NSUI हरियाणा के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराज, प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर सैकड़ों मेडिकल छात्रों की परीक्षाओं को लेकर सुझाव के साथ मिलने पहुंचे। साथ ही उन्होंने गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का हालचाल जाना और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना भी की। इस दौरान दिव्यांशु ने कहा कि प्रदेश के हजारों मेडिकल छात्रों के परीक्षाओं पर अभी भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसके कारण वह असमंजस की स्थिति में है, जिसको लेकर दिव्यांशु ने अनिल विज से ज्ञापन पत्र सौंपकर मांग की है कि बिना किसी विलंब के मेडिकल संकाय के छात्रों के हितों में परीक्षाओं के संदर्भ में कोई गाइडलाइन जारी हो, जिसमें छात्रों की मांगों को सर्वोच्च रखकर समस्या का निदान किया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि निश्चित रूप से अनिल विज छात्रों की मांगों को केंद्र और राज्य सरकार तक लेकर जाएंगे और उन्हें पूरा करवाएंगे। हरियाणा में माननीय हाईकोर्ट के दबाव के बाद डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो फाइनल सत्र के भी एग्ज़ाम हैं, जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनको पास करने का फैसला ले लिया था, पर उसके बावजूद मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल एफिलेटेड कॉलेजेस में अभी भी कहीं ना कहीं ये पेंच फंसा हुआ है और कई यूनिवर्सिटीज़ ने जो है डेटशीट जारी कर दी है। इसलिए हमने NSUI हरियाणा के बिहाफ पर 2 दिन पहले ऑनलाइन कैंपेन चलाया था और मेडिकल के स्टूडेंट से, हम समझते हैं कि मेडिकल के जो कोर्सेज हैं वो लाइफ साइंसेज के कोर्स हैं, इसलिए हमने उसमें किस तरीके के प्रोटोकॉल्स रखे जाएं, उसमें अगर उनका प्रमोशन करा जाए तो उसके ग्राउंड्स क्या हो, इसलिए NSUI हरियाणा ने 2 दिन लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हरियाणा के सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ जुड़ने के लिए एक ईमेल आईडी जारी करी थी और उस ईमेल आईडी पर हमने सभी स्टूडेंट्स के सजेशन मांगे थे कि वो अगर आपने आपको अगली कक्षा में प्रमोट करवाना चाहते हैं तो उसके ग्राउंड्स क्या हो। आज उन सभी सजेशंस की हार्ड कॉपी हमने निकलवाकर माननीय अनिल विज, जो हमारे मेडिकल एजुकेशन के भी जो मंत्री हैं, उन्हें आज हमने एक NSUI हरियाणा की तरफ से रिप्रेजेंटेशन प्लस ये सारी सजेशंस हमने इकट्ठी कर आज माननीय अनिल विज जी को हमने सौंपी है और उनसे अनुरोध किया है कि वे सेंटर गवर्नमेंट से इसके बारे में बात करें ताकि हरियाणा सरकार जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनके ऊपर कोई दबाव बनाए ताकि विद्यार्थियों का 1 साल भी बच जाए और उनके भविष्य से भी कोई खिलवाड़ ना हो। धन्यवाद। हालांकि इस बार भी छात्रों की समस्याओं के निदान के लिए NSUI ही सबसे पहले आगे आई। इससे पहले भी NSUI ने हाईकोर्ट की शरण लेकर नॉन फाइनल, फाइनल और री अपेयर के छात्रों को बिना परीक्षाओं के प्रमोट करवाया था। फिलहाल देखना होगा कि विज साहब द्वारा छात्रों के मुद्दों को राज्य और केंद्र सरकार के सामने रखने के बाद क्या फैसला लिया जाता है। प्रथम तहलका के लिए अम्बाला से ब्यूरो रिपोर्ट।